वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को जोहार। एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। और एग्जाम नजदीक आ गया है और इसलिए मैं आज 12 तारीख को आप सभी के लिए सीएनटी एसपीटी टॉपिक लेकर आया हूं। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैंने तोड़ तोड़ के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने का प्रयास किया है जो भी टॉपिक है सीएनटी और एसपीटी और झारखंड की भूमि संबंधी कानून से, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से 12 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपके परीक्षा में कुल 12 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जेपीएससी को भी अब अभी तक पता चल चुका होगा, कुछ काम कर रही होगी, रात तक इंतजार कर लीजिए। अगर रात तक सही नहीं होता है तो फिर कल से हम लोग जेपीएससी ऑफिस जाने का काम करेंगे, जो भी करना है उसको करने का काम करेंगे। ठीक है, आप लोग आज भर सब्र कर लीजिए रात में। ठीक है जी, राधे राधे, जोहार सभी को, जोहार। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों बिना समय गवाए। प्रश्न बहुत हैं तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं चलूंगा इसको। क्वेश्चन चूंकि मैंने तोड़ तोड़ के निकाल लिए हैं, एक सेकंड, क्या गया मक्खी, क्वेश्चन तोड़ तोड़ के निकाल लिए हैं ताकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन किए बिना ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। हां जी, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें आपको झारखंड के भूमि संबंधी कानून पढ़ने, जिसमें मुख्य रूप से सीएनटी और एसपीटी के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ अन्य कानून से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। हाँ चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या हो गया, हैंग हो गया ये, रुक जा यार, थोड़ा हैंग कर गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, हैंग कर गया है सिस्टम। दो मिनट, चलिए जोड़िए जल्दी जल्दी सबको, लोग को तब तक जोड़िए, फटाफट जोड़िए सभी को। मुझे पता है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, बोले ना रात तक इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सुधार हो सकता है आज। आज पेज थोड़ा ज्यादा है इसीलिए शायद हैंग कर गया। चलिए आज शुरू करने से पहले ही 400 लोग जुड़ गए हैं और सब लोग एक बार लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए, हाजिरी बता लीजिए, अटेंडेंस वगैरह जो है। पहला प्रश्न, बिरसा उल गुलाम एवं कोल विद्रोह होने का मुख्य कारण उद्देश्य क्या था, है ना। इसका जो बिरसा उल गुलाम होने का और जो कोल विद्रोह, जैसा कि आप सभी को पता है ये हुआ था 1895 से 1900 तक। ठीक है, और कोल विद्रोह सबको पता है
1831-32 में हुआ था यह विद्रोह, कोल विद्रोह। बोल रहा है कि कौन सा कारण है या कौन सा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्रता दिलाना? केवल अंग्रेजों के विरुद्ध रैयतों का आंदोलन था यह, केवल जमींदारों के विरुद्ध रैयतों का आंदोलन था, या चौथा है जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ रैयतों का आंदोलन था? ये दोनों आंदोलन जो था वो किसके अगेंस्ट था, ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। तो आप सभी जानते होंगे बिरसा उल गुलान या कोल विद्रोह जो भी हुआ, इनका भूमि का हक वगैरह छीना जा रहा था और ये जमींदारों के माध्यम से अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। तो इनकी दुश्मनी दोनों से थी, इनकी दुश्मनी दोनों से थी दोस्तों। क्या हो गया यार आज, ये तो हैंग हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ रैयतों का आंदोलन था ये, है ना। जमींदारों और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ रैयतों का आंदोलन था, याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, देख रहे मक्खी परेशान कर रहा है क्लास लेने में, एक मक्खी आ गया है स्टूडियो के अंदर, रुक जाइए यार, निकल 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 निकल, मक्खी आके बैठ जा रहा है बोर्ड पे, आज आप एक नया चीज देख रहे होंगे लाइव क्लास में, मक्खी बैठ जा रहा था इसलिए काम नहीं कर रहा था, कहाँ गया, भागा, ये निकल फिर परेशान करेगा। भगा दिए, ठीक है, चलिए। जमींदारों अंग्रेजों के खिलाफ रैयतों का आंदोलन था ये दोस्तों, याद रखिएगा। भूहर भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंजिहस भूमि, कौन सी भूमि, मंजिहस भूमि के लिए भूहरी सर्वे कब से कब तक चला, ठीक है, बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन समझे कि नहीं। भूहर भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंजिहस भूमि के लिए भूहरी सर्वे हुआ था, पढ़े होंगे आप लोग, मैं हमने थ्योरी क्लास में भी बताया था इन सब चीजों के बारे में। तो ये जो सर्वे हुआ था ये कब से कब तक चला था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, कमेंट करिए सभी लोग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये जो सर्वे चला था 1862 से लेकर के 1869 तक चला था, ठीक है, 1862 से कब तक चला था दोस्तों, 1862 से 1869 तक चला था, दो दो ऑप्शन में टाइप हो गया है, मगर आपको याद रखने से मतलब है, ठीक है, दो दो ऑप्शन में टाइप हो गया, ये ऑप्शन गलत है, 1862 से 1869 के बीच में चला था दोस्तों, याद रखिएगा, भूहरी भूमि और स्थानीय जमींदारों की मंझस भूमि, समझे, इसके बीच के लिए भूहरी सर्वे चला था 1862 से 1869 के बीच में, ठीक है। जनजातियों के भूमि को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश की ओर से उठाया गया पहला प्रभावी कदम कौन सा था, ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए सारे लोग उत्तर दीजिए, सोचिए क्वेश्चन को, पढ़िए, देखो जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए
सरकार की ओर से उठाया गया पहला प्रयास या पहला प्रभावी कदम कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा यही 1862 से 1869 के बीच में जो भुईहरी सर्वे हुआ था, ये अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों के भूमि को संरक्षित करने के लिए पहला प्रभावी कदम इसको माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये पहला प्रभावी कदम इसको माना जाता है दोस्तों, ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये जो भुईहरी सर्वे हुआ था ना, ये रखाल दास हलधर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये भुईहरी सर्वे जो हुआ था दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? रखाल दास हलधर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, किसके? रखाल दास हलधर के नेतृत्व में हुआ था। तो दो तीन बातें क्लियर हो गई, कब से कब हुआ? 1862 से 1869 के बीच में, है ना? ये अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला प्रभावी कदम था, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रखाल दास हलधर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, भूमि संबंधी कानून के संबंध में सत्य है, गांव के अलग अलग पद के लोगों के लिए अलग अलग भूमि भुईहरी कहलाती है, गांव के अपने अपने स्वायत्तधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित भूमि मंजहस भूमि कहलाती है, ए और बी दोनों सही, ना तो ए सही ना तो बी सही। चलिए उत्तर दीजिए, स्टेटमेंट ये डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है डायरेक्टली डेफिनेशन से है। प्रश्न संख्या 4 क्या हो जाएगा? सत्य कथन बोल रहा है ना। तो देखिए, गांव के अलग अलग पद, जो शासन व्यवस्था होता था ना तो उसमें अलग अलग पद होता था, तो उन पदों के बाद जैसे महतो को महतई भूमि दे दिया जाता था, पाहन को पहनई भूमि दे दिया जाता था, भूत खेत होता था, डाली कटारी होता था, तो ये सब जमीन जो कहलाता था दोस्तों, ये सब जो है भुईहरी कहलाता था। क्या कहलाता था? भुईहरी। और गांव के अपने अपने स्वायत्तधारी, है ना, स्वयंधारी जो होते थे, उनके उपयोग के लिए जो आरक्षित भूमि होती थी ना, इसको मंजहस भूमि कहते थे, समझे? और इसी भुईहरी भूमि और मंजहस भूमि को क्या करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, इन्हीं भुईहरी भूमि और मंजहस भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 में भुईहरी सर्वे हुआ था रखाल दास हलधर के नेतृत्व में। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869, ठीक है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के बारे में बोला जा रहा है। चलिए बहुत अच्छे, देखो अभी इस सेशन में बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी कमेंट्स वगैरह करना होगा तो आप कमेंट्स क्लास के बाद कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी बस फोकस कीजिए इस चैप्टर पे। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के बारे में, 10 मार्च को अधिनियमित एवं 1 अप्रैल को प्रभावी हुआ, 1 मार्च को अधिनियमित एवं 10 अप्रैल को प्रभावी हुआ, 15 मार्च को अधिनियमित एवं 1 अप्रैल को प्रभावी हुआ, कि 17 मार्च को अधिनियमित एवं 1 अप्रैल को प्रभावी हुआ। ठीक है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 जो है वो कब अधिनियमित हुआ और कब प्रभावी हुआ, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? ये अधिनियमित हुआ 17 मार्च 1869 को और प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 1869 को। एकदम क्लियर करते जाइए, हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं आपके दिमाग पे कैसे सेट हो जा करके, ताकि एग्जाम में जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप आसानी से दिमाग की चीजों को निकाल करके वहां पर रख दें। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं रटवाने का, ये चैप्टर रटने के सिवा दूसरा कोई रास्ता रहता नहीं है, इसमें मैक्सिमम चीजें आपको रटनी ही पड़ती है। ठीक है, तो 17 मार्च 1869 को अधिनियमित हुआ मतलब नियम आया, और 1 अप्रैल 1869 को ये प्रभावी हो गया। ध्यान रखिएगा, सन 1902 में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे किस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था? पहली बात पूछेगा भाई कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मौजावार सर्वे कब हुआ था,
तो ये वाला आंसर याद रखिएगा। मौजावार सर्वे, पहले बोले भुईहरी सर्वे 1862 से 1869 के बीच में भुईहरी सर्वे, ठीक है, और मौजावार सर्वे जो हुआ था वो 1902 में हुआ था, समझे। इसका उद्देश्य जानते क्या था, केवल रैयत की पहचान करना, केवल यह जानने के लिए कि किनके वास किनके पास कितनी भूमि है, खेवट एवं खतियान के निर्माण के लिए भूमिहीनों के को भूमि उपलब्ध कराने के लिए। किस उद्देश्य से आखिर 1902 ईस्वी में मौजावार सर्वे हुआ था दोस्तों, ये आप लोग को बताना है किस उद्देश्य से हुआ था, कमेंट करिए सभी लोग। चलिए आज मुझे उम्मीद है आप लोग 1000 से ज्यादा लाइव लेकर के आओगे, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आज ना भाई आज दिन भर में सब क्वेश्चन तैयार हुआ है, 116 प्रश्न लाया हूं इंपॉर्टेंट है ना, 116 प्रश्न आज लेकर आया हूं सीएनटी और एसपीटी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, समझ गए। तो आप लोग बड़ी ध्यान से बस सुनते जाइए, 116 क्वेश्चन दिमाग में रटवा देंगे, सटा दिमाग के अंदर सेट कर देंगे, और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर में, ठीक है। तो मौजावार सर्वे 1902 में किस लिए हुआ था, खेवट एवं खतियान के निर्माण के लिए, है ना, किस लिए हुआ था, खेवट एवं खतियान के निर्माण के लिए, याद रखिएगा इसको। अब मैं आपसे अगर पूछ दूं कि बताओ भाई कि खेवट किसको बोलते हैं और खतियान किसको बोलते हैं, जानते हैं क्या आप लोग खेवट और खतियान में, खतियान तो सब जानते होंगे, एक ऐसा दस्तावेज है खतियान जिससे भूमि किसका है, भूमि मतलब भूमि के वास्तविकता में किसका है वो पता चलता है ना, पुरखों से किससे चलता आ रहा है ना, तो ये खतियान हो गया। खेवट भी एक दस्तावेज है जो आपको कर्मचारी के पास मिल जाएगा, और खेवट में जो है ना पता चलता है इस बात का कि कर्मचारी के पास कि कौन सा एरिया में कौन कौन सा जमीन किसका, समझे, मतलब जमीन जो है किसका है। खेवट और खतियान बनाने के लिए ही मौजावार सर्वे शुरू हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1902 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1902, याद रखिएगा इसको, क्लियर है। चलिए अच्छा लग रहा है ना सेशन, लाइक करिए, लाइक सब लोग नहीं किए करिए जल्दी। अगला देखिए, छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम 1869 के अनुसार भूतखेत डली कटारी एवं पहनई क्या है, छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम 1869 के अकॉर्डिंग भूतखेत डली कटारी एवं पहनई क्या है, आम रैयतों की भूमि है, पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी जाने वाली भूमि है, महतो के लिए रखी जाने वाली भूमि है, या मंजीहस पर काम करने वाले श्रमिकों की भूमि है, किसके बारे में बात हो रहा है दोस्तों, भूत खेत और डली कटारी एवं पहनई की बात हो रहा है, ठीक है, भूत खेत डली कटारी और पहनई, ये किसका जमीन है, कमेंट के ऑप्शंस के अनुसार आप लोग उत्तर देते जाइए सभी लोग। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, किसका है, देखिए ये जो है जमीन है ना, पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी जाने वाली भूमि है, ठीक है, ये आपका भूत खेत डाली कटारी जो है ना, भूत खेत डाली कटारी और पहनई जो है ना, ये पाहन एवं पुजारी के लिए अलग से रखी जाने वाली भूमि है, भूत खेत और डली कटारी, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से क्या विशिष्ट कमिश्नर का कार्य नहीं है, समझ गए, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम आया था ना, छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम जो 1869 में आया था ना, उसमें सारा पावर जो था वो विशिष्ट कमिश्नर को दिया गया था, ठीक है, उसमें अगर बात करें कि इसका जो जांच पड़ताल करेगा कि कौन भुईहरी है कौन मंझस है, जो दावा कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह का जो जांच पड़ताल वो भी आपका विशिष्ट कमिश्नर करता था, फिर विशिष्ट कमिश्नर जो है भू राजस्व की बंदोबस्ती करने का भी उसको शक्ति था, केवल कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास थी छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम में,
केवल कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास थी, इसके अलावा सारी शक्तियां किसके पास थी दोस्तों, सारी की सारी शक्तियां जो थी वो विशिष्ट कमिश्नर के पास थी, समझे। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, भुइहरी या मंझस के स्वामित्व की पहचान एवं सीमांकन करना इसका काम था, भू राजस्व की बंदोबस्ती, कर निर्धारण व इसका उसका पुनर्विलोकन का भी अधिकार, निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, मतलब ये विशिष्ट कमिश्नर के संबंध में कौन सी बातें यहां पर आपको गलत लग रही है, बताइए सभी लोग प्रश्न का सही उत्तर। चलिए, देखिए यहां पर लिखा है ना, निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, जबकि अपील की जा सकती है, ये नहीं वर्ड नहीं होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, समझे। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील भी किसके पास कर सकता है, निर्णय और आदेश के जो विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध परमंडल के कमिश्नर के पास अपील कर सकता है, समझे। परमंडल मतलब अगर इसका निर्णय जो विशिष्ट कमिश्नर का निर्णय आया है तो परमंडल के कमिश्नर को क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है, जबकि यहां लिखा है निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता, बात गलत है, अपील किया जा सकता है, ठीक है, बाकी सब सही स्टेटमेंट था। अगला देखिए, सीएनटी एक्ट किस विशेष प्रयास का परिणाम माना जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं सीएनटी एक्ट की, तो विशेष प्रयास अगर हम देखें, यहां लिखा हुआ है बिरसा आंदोलन, जमींदारों का विद्रोह, 1857 की क्रांति, सभी क्या हो जाए, सोच के बताइए। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उस समय आप कैसे गेस कीजिएगा, कि कौन सा आंसर होगा, थोड़ा सा आपको लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपको, तो देखिए तत्कालीन आपको पता है सीएनटी एक्ट कब आया, ये एग्जैक्टली 11 नवंबर 1908 को आया, हा? इसके कुछ ही समय पहले जो है 1895 से 1900 के बीच में क्या चला था, बिरसा आंदोलन चला था। तो कहा जाता है कि बिरसा आंदोलन का ही प्रभाव था कि सीएनटी एक्ट को जो है लागू किया गया इस हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हालांकि इसके तत्कालीन कारणों में होगा, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण उस समय यही होगा, बिरसा आंदोलन, ठीक है। किस गवर्नर जनरल द्वारा सीएनटी एक्ट 1908 को पारित करने की अनुमति बंगाल की काउंसिल को दी गई थी, तो आप सभी जानते होंगे उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, कौन थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल, नहीं इसको गवर्नर जनरल ऐसे जनरली बोल देते हैं, यही वायसराय थे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम वायसराय थे, और ये बंगाल काउंसिल को दी गई थी, मतलब इसको पारित करने का, और ये पारित हुआ था, याद रखिएगा डेट, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले बार, 11 नवंबर 1908 को ये जो है पारित हो गया था, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सीएनटी एक्ट 1908 को डैश डैश भी कहा जाता है, जो सीएनटी एक्ट है ना 1908 वाला, उसको और क्या कहते हैं, तो जानते हैं इसको, इसको बोला जाता है इसको बंगाल अधिनियम संख्या 6 भी बोलते हैं, इसको जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, समझे, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सीएनटी एक्ट 1908 को क्या क्या बोला जाता है, इसको बंगाल अधिनियम संख्या 6 भी कहते हैं, और इसको जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम को, ठीक है। सीएनटी एक्ट को जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, और सीएनटी एक्ट को जो है बंगाल अधिनियम संख्या 6 के नाम से भी जानते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 की रूपरेखा, ठीक है, सीएनटी एक्ट 1908 की जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा, इसका तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है, तो इसको तैयार करने का मुख्य जो श्रेय जाता है दोस्तों, अगर हम देखें गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को जाता है श्रेय, मिस्टर लिस्टर को जाता है, जॉन बेप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है, बंगाल काउंसिल को जाता है,
किन्हें जाता है, सीएनटी एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय, तो इसका जो रूपरेखा यानी प्रारूप जो होता है ठीक है उसको तैयार करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, आप सभी पढ़े होंगे कि जॉन बेप्टिस्ट हाफमैन को जाता है ठीक है। ये भी सहयोग किए थे, सहयोगी की भूमिका में ये भी थे, मतलब इनकी भूमिका को भी नहीं ये किया जा सकता है, लेकिन मुख्य भूमिका जो है रूपरेखा तैयार करने का जॉन बेप्टिस्ट हाफमैन का है, याद रखिएगा उसको। अगला देखिए, सीएनटी एक्ट का उद्देश्य नहीं था जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना, जनजातियों को भूमि के मालिकाना हक को जमींदार हस्तांतरित कर मालिकाना हक को जमींदार हस्तांतरित करना, छोटा छोटा नागपुर में ठीक है छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, जनजाति समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा नहीं था, चलिए उत्तर दीजिए। तो सभी लोग उत्तर दीजिए। लीड रोल में हाफमैन साहब थे ठीक है, उनका नाम है हाफमैन, मतलब पूरा आदमी नहीं थे वो, हाफमैन थे ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। नहीं था उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य नहीं था, देखिए जनजातियों को, जनजातियों की भूमि के मालिकाना हक को जमींदार हस्तांतरित, जमींदार को हस्तांतरित करना, हाँ ये तो गलत बात है भाई, ये गलत है, ये उद्देश्य नहीं था ठीक है। सीएनटी एक्ट का उद्देश्य ये जरूर था, जनजातीय उस समय बहुत सारे जनजातीय विद्रोह चल रहा था, तो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में सीएनटी एक्ट को अंग्रेजों ने लाया था कि जनजातीय विद्रोह में थोड़ा नियंत्रण हो जाएगा, अगर जनजातियों के लिए कोई अच्छा कानून बना देंगे तो, उनकी जमीन को संरक्षित करने के लिए कानून बना देंगे तो जनजाति लोग भी थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो जनजातीय विद्रोह को कंट्रोल करना तो था ही। छोटा नागपुर में भूमि संबंधी जो विवाद चल रहे थे वो उसको खत्म करना, जनजाति समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा, ये तीनों उद्देश्य था, ये भी उद्देश्य था, ये भी उद्देश्य था और ये भी उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सीएनटी एक्ट 1908 की अनुसूची ए क्या कहती है, सीएनटी एक्ट 1908 की जो अनुसूची ए है वो क्या कहती है, मानभूम जिले में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची, झारखंड के सभी जिले में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची, छोटा नागपुर मंडल के निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची, यानी सीएनटी एक्ट की जो अनुसूची ए है, आप लोग पढ़ रखे होंगे कि सीएनटी एक्ट में दो अनुसूची है ना, सीएनटी एक्ट में टोटल कितना अनुसूची है, सीएनटी एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि दो अनुसूची होता है, 19 अध्याय है, कितना अध्याय है, 19 अध्याय है, 271 आपका उसमें धारा है और दो क्या है, अनुसूची है। चलिए बताइए तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है, हाँ इसमें ना सीएनटी एक्ट 1908 का जो अनुसूची ए है, अनुसूची ए में था कि छोटा नागपुर मंडल के जो निरस्त अधिनियम है एवं अधिसूचना है उसका लिस्ट था, और ये वाला जो है ना मानभूम वाला, ये मानभूम वाला था अनुसूची दूसरा में, अनुसूची बी में मानभूम वाला था ठीक है, जबकि छोटा नागपुर मंडल के निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची किसमें था, यह अनुसूची एक में था, और मानभूम जिले से निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची किसमें था, अनुसूची बी में था, तो दोनों बातें क्लियर हो गई, यानी दोनों अनुसूचियां में क्या क्या थी दोस्तों। देखिए विकास अपर्णा जी आप इतना परेशान मत होइए, रात तक इंतजार कीजिए, 12 बजने दीजिए, 12 बजे रात को आप उसको ओपन कीजिएगा, लॉक हो गया है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत लोगों का लॉक हो गया था, तो आप फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, देन आप उसके बाद खोलिए, बहुत परेशान नहीं, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, थोड़ा सा अभी बहुत लोग एक ही बार साइट पे कूद पड़ा है तो इसलिए साइट थोड़ा सा स्लो हो गया है, समझे ना, तो आप इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता मत कीजिए।
सीएनटी एक्ट 1908 अध्याय एक के धारा एक से तीन तक वर्णन है ना। ये सीएनटी एक्ट 1908 में अध्याय एक के धारा एक से तीन तक क्या क्या चीज मिलता है? धारा एक से तीन तक कष्टकारों के वर्ग, भूधारक, सीएन एक्ट का उद्देश्य या अधिनियम का नाम एवं विस्तार। चलिए बताइए तो, प्रश्न संख्या 15। चलिए बताइए तो दोस्तों फटाफट। देखिए इसमें आपको ना अध्याय एक में आप लोग पढ़ रखे होंगे कि अध्याय एक में अधिनियम का नाम और विस्तार है, ठीक है। अध्याय एक में क्या है? अधिनियम का नाम और विस्तार आपको मिलेगा अध्याय एक में, ठीक है। अध्याय आपका जो दो है धारा चार से आठ, इसमें कष्टकारों का वर्ग है, ये वाला जो है ना ये अध्याय दो में है, अध्याय दो में है और धारा इसमें चार से आठ है, धारा चार से आठ तक आपको इसमें मिलेगा, समझे। भूधारक किसमें है? जस्ट उसका अगला वाला अध्याय, ठीक है। भूधारक किसमें? अध्याय तीन में नौ से पंद्रह तक। अध्याय तीन में नौ से पंद्रह तक क्या है? अध्याय तीन धारा नौ से पंद्रह, अध्याय तीन धारा नौ से पंद्रह आपको मिलेगा भूधारक के बारे में। कष्टकारों का वर्ग अध्याय दो में धारा चार से आठ तक, और अधिनियम का नाम और विस्तार मिलेगा अध्याय एक के धारा एक से लेकर के तीन तक। और जिसमें से आपका तीन जो है ना, तीन जो धारा है इसमें आपको मुख्यतः परिभाषा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? बहुत सारी चीजों की इसमें परिभाषा है। नेक्स्ट आइए, धारा तीन में उल्लेखित वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो क्या कहलाता है? उसको कृषि वर्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कृषि वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किनके द्वारा स्थायी बंदोबस्ती कराई गई थी? 1893 में बैप्टिस्ट द्वारा, 1890 में लॉर्ड रिपन द्वारा, 1790 में लॉर्ड रिपन द्वारा, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा, या 1793 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा? बताइए, सभी लोग उत्तर दीजिए तो। चलिए, और जल्दी जल्दी आप लोग लाइव की संख्या 1000 आज पार कीजिए। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, आप जितने लोग अभी लाइव जुड़े हैं सब लोग एक बार लाइक बटन को दबा दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि 1000 की ओर हम लोग बढ़ेंगे आज लाइव में, और ये चैप्टर में 1000 लाइव बनता है दोस्तों। बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन नहीं मिलता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से आज का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। पूरे थ्योरी से कंटेंट को क्रिएट किया गया है, ठीक है। थ्योरी से ही जो भी सीएनटी एक्ट का हमारा जो चैप्टर है उसी से एक एक क्वेश्चन निकाल निकाल के बनाया गया। कोई ऐसा नहीं कि कहीं से उठा दिए कोई किताब से और आपको ला के करवा रहे, ऐसा नहीं है। आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। सारा क्रिएटिव क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी पे कमांड हो जाएगा। तो बंगाल, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था, ठीक है। क्या अस्थाई बंदोबस्ती, जमींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्ती कानून कहाँ लाया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लाया गया था, 1793 में लाया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, उसे वायसराय गवर्नर जनरल वही था। सीएनटी एक्ट के अध्याय दो के धारा चार में कष्टकारों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया? देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये, इनमें से कौन कष्टकार में शामिल नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट बताओ। हाँ, इनमें से कौन कष्टकार में शामिल नहीं है बताइए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिफाइंड करना चाहूंगा कष्टकार के बारे में, वो तो मैं बताऊंगा ही कि कष्टकार में कौन कौन आता है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कष्टकार जो होता है ना दोस्तों, जिस जो आपका जितना भी आपका भूधारक है, ठीक है, रैयत है, भूधारक है, रैयत है, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत है, समझे, दर रैयत है, ये सब के सब कष्टकार कहलाते हैं, ठीक है। जिसको भूमि, जो भी भूमि धारण किया हुआ है,
सब कस्तकार कहलाता है। जैसे आप भी जमीन खरीदते हैं, समझे, आप भी कोई जमीन अगर आप खरीदते हैं तो आप क्या हैं, कस्तकार हैं। आप, आपके पास अगर कोई जमीन, फिर मक्खी आ गया कहां से, अरे यार गजब कर रहा है मक्खी, फिर हैंग कराएगा मेरा बोर्ड, फिर एक मिनट वेट कीजिए, मक्खी को भगा दीजिए स्टूडियो से, कहां से आ जा रहा है। चलिए हो गया, भाग गया, मतलब जेपीएससी का लगता है उसका एडमिट कार्ड सबसे पहले डाउनलोड हो गया है, हैं? मक्खी जो आ रहा है बार बार यहां क्लास में, उसका लगता है सबसे पहले जेपीएससी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और सीएनटी एक्ट पढ़ने आ गया, ठीक है। चलिए चलो ठीक है, तो साथियों आइए देखिए, इसमें देखिए कौन अध्याय दो में, धारा चार में है ये, कष्टकारों के अंतर्गत, कष्टकारों का वर्ग, तो कष्टकारों के वर्ग में रैयत भी आता है, दर रैयत भी आता है ना, मुंडारी खुटकटीदार भी आता है, ये साहूकार नहीं आता है, समझे। कष्टकारों के वर्ग में कौन कौन आते हैं, कष्टकारों के वर्ग में आपका एक आता है भूधारक, ठीक है, भूधारक आता है, इसमें रैयत आता है, इसमें दर रैयत आता है ना, दर रैयत भी कष्टकारों के वर्ग में आता है। उसके अलावा आपका मुंडारी खुटकटीदार भी आता है, मुंडारी खुटकटीदार, याद रखिएगा इसको, चारों का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार, ये सभी क्या है, कष्टकार है, ये सभी कष्टकारों के वर्ग में आते हैं, ठीक है। दर रैयत कहलाता है जो स्वतंत्रता पूर्वक भू अनुदार, भू अनुदान देता है, रैयत के भूमि का 1/3 हिस्सेदार है, खुटकटी अधिकार प्राप्त है, या ऐसा कष्टकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन आता है। दर रैयत किसको बोलते हैं, ऐसा कष्टकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन भूमि धारण किया हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, उसको दर रैयत बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दर रैयत किसको बोलते हैं, वैसा कष्टकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन भूमि धारण किया हुआ हो उसको दर रैयत कहा जाता है, ठीक है। धारा 9 के अनुसार भूधारक डैश डैश मुख, भूधारक या मुखिया के लगान में वृद्धि कैसे किया जा सकता है, ठीक है। धारा 9 को अगर देखिएगा तो इसके अनुसार भूधारक या मुखिया के लगान में वृद्धि कैसे किया जा सकता है, पंचायत के माध्यम से कर सकते हैं, राजस्व अधिकारी उपायुक्त द्वारा पारित आदेश द्वारा कर सकते हैं, बजट पारित करके, या स्वयं भूधारक मुखिया के अनुमोदन से जो है भूधारक या मुखिया के ये में वृद्धि किया जा सकता है, लगान में वृद्धि किया जा सकता है। कौन सा आंसर होगा, धारा 9 के अनुसार भूधारक या मुखिया के लगान में वृद्धि करने का कौन सा प्रोसेस है, बताइए तो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल देखिए, धारा एक्चुअली ये धारा 9 के क में प्रावधान है, जो बात ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भूधारक या मुखिया के लगान में वृद्धि उपायुक्त के पास आवेदन कर, है ना, उपायुक्त के पास आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, राजस्व अधिकारी या उपायुक्त द्वारा पारित आदेश द्वारा जो है भूधारक या मुखिया के लगान में वृद्धि किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छे।
हाँ तो याद रखिएगा, ये वाला जो प्रावधान है ना, ये धारा 9 के क में है, धारा 9 का क में प्रावधान है, जो कि आपका अध्याय किस में आता है, अध्याय 3 में आता है, समझे, भूधारक वाला अध्याय में आता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इस धारा में अंतरण हस्तांतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी कि सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा है जिसमें अंतरण या हस्तांतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है, बताइए, सभी लोग बताइए, एग्जाम से पहले तो पढ़ ही लिए होंगे ना आप लोग जी, हाँ, किसमें है वर्णन, किस धारा में अंतरण हस्तांतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या बात, क्या बात, शानदार, धारा 11 है ना, धारा 11 के अंतर्गत आपको अंतरण हस्तांतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अध्याय 4 के धारा 16 के अनुसार विद्यमान अधिभोगाधिकार है ना, अधिभोगाधिकार कितने वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती की हो और ना ही धारित किया हो, फिर भी समाप्त नहीं होगा, समझे, क्वेश्चन समझे कि नहीं, अध्याय चार का धारा सोलह इसमें बोलता है कि विद्यमान अधिभोगाधिकार मतलब उसको मिला हुआ अधिकार, कितने वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती किया हो और ना ही वो धारित किया हो, फिर भी उसका अधिभोगा अधिकार समाप्त नहीं होगा, कितना वर्ष तक ऐसा वो करेगा लिमिट कि वो उसका अधिभोगा अधिकार समाप्त नहीं होगा, तो बिल्कुल सही आप लोग पकड़ रहे हैं, 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 12 वर्ष तक यदि विद्यमान अधिभोगाधिकार तक 12 वर्ष तक भूमि पर ना तो खेती किया हो और ना ही धारित किया हो, फिर भी उसका भूमि का जो अधिभोगाधिकार है वो समाप्त नहीं होगा। वृक्षों पर अधिभोगी रैयत का अधिकार का व्याख्या है, यानी कि वृक्ष जो होंगे उसमें अधिभोगी रैयत का अधिकार होगा, ये व्याख्या कौन सी धारा में लिखा हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, बताइए, वृक्षों पर पूछ रहा है कि जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपको मिल, देखिए वृक्षों पर अधिभोगी रैयत का अधिकार जो है ये आपको मिलेगा धारा 21 में, ठीक है, ये किस में मिलेगा दोस्तों, धारा 21 में आपको मिलेगा, वो भी 21 में आपका जो है ना, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार है, समझे, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार है, खास और 21 का जो क है, 21 के क में अधिभोगी रैयत, वृक्षों पर अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में 21 के क नंबर धारा में आपको देखने को मिलेगा। धारा 24 से 36 व्याख्या करती है, धारा 24 से 36 क्या व्याख्या करती है ये आप लोग बताइए, जल्दी करिए, क्वेश्चन बहुत है आज। धारा 24 से लेकर के बोल रहा है कि धारा 24 से लेकर के धारा 36 किस चीज की व्याख्या करती है ये पूछा जा रहा है ना, तो ये जो आपका धारा 24 से 36 है ना, ये लगान के संबंध में है, किसके संबंध में दोस्तों, ये लगान के संबंध में है, और इसकी अगर हम बात करें, लगान के संबंध की बात अगर हम करते हैं, जो कि आपका 24 से 36 है, ये आपको मिलेगा अध्याय कौन सा, अध्याय 4 में, किसमें मिलेगा, अध्याय 4 जो है दोस्तों आप लोग पढ़ रखे होंगे,
कि अध्याय चार में किसके बारे में वर्णन है? अध्याय चार में आपको रैयत के बारे में वर्णन है। अध्याय चार में रैयत है, ठीक है। अध्याय चार में आपका क्या है? रैयत है, समझे। अध्याय चार में रैयत है, जो कि आपका इसी के अंदर आता है। लगान के संबंध में 24 से 36 है। लगान के संबंध में कहां से कहां तक है? 24 से 36 जो है लगान के संबंध में है। और रैयत के बारे में अगर बात करें तो 16 से 36 तक है, है ना। रैयत के बारे में कहां से कहां तक है? 16 से 36 तक है, जो कि आपके अध्याय चार के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, अध्याय चार में रैयत है। आपको बताए थे ना, पहला में तो आपका क्या है, अध्याय वन में एक्ट का नाम और विस्तार है, ठीक है। दूसरा जो अध्याय, उसमें क्या है? उसमें कष्टकार के बारे में, कष्टकार के वर्ग के बारे में। फिर उसके बाद आपको मिलेगा भूधारक के बारे में, तीसरा में। और चौथा में मिलेगा रैयत के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, तो आंसर क्लियर हो गया। अगला देखिए, धारा 37, रैयत द्वारा अधिनियम प्रारंभ के डैश डैश वर्षों से पूर्व कष्टकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आज पूरा सीएनटी एसपीटी आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। विकास अर्पणा जी, इतना क्यों नेगेटिव थॉट रख रहे हैं? यहां सही लगाना और एग्जाम में लगाना में अंतर है, क्यों अंतर रहने दीजिएगा? क्यों इतना डरे रहिएगा एग्जाम में? बिंदास जाना एग्जाम देने, हाँ? यहां लगाना और एग्जाम में लगाने में क्या अंतर है भाई? एग्जाम के प्रेशर का ही ना अंतर है। ऐसा नहीं सिलेबस के बाहर का चीज दे देगा एग्जाम में। एग्जाम में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा ना। चलिए क्वेश्चन को समझे। बोल रहा है धारा 37 रैयत द्वारा अधिनियम प्रारंभ करने कि कितने वर्षों के पूर्व कष्टकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना। ये आपका धारा 37 में है। तो कितना वर्ष है ये बताइए? अधिनियम के प्रारंभ होने के कितना वर्ष? बिल्कुल सही सोचा आपने। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष, समझे। धारा 37 में आपको मिलेगा रैयत द्वारा अधिनियम प्रारंभ होने के 20 साल पहले, 20 वर्षों से पूर्व कष्टकारी सृजित कर दी गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ये वर्ष वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों, आप लोग भी अच्छे से कर लीजिए। ये वर्ष वाला क्वेश्चन, शक्ति वाला क्वेश्चन और 2 से 3 धारक वाला क्वेश्चन, बाकी डेफिनेशन ही पूछेगा। डेफिनेशन पूछेगा आपका, ये सीएनटी एसपीटी से लोग क्या सोचते हैं ना, तो 271 को धारा कैसे याद करेंगे, है ना, यही सोचने लग जाते हैं कौन सा कौन धारा में कौन। वैसा नहीं पूछता है सवाल। प्रीवियस ईयर आप देखो, प्रीवियस ईयर में देखोगे तो 12 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ना, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं किससे, कौन सी धारा में ये बात लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सी धारा में ये बात लिखा हुआ है, ये बात पूछा जा रहा है 2 से 3 प्रश्न। और ये भी जानते हैं कौन, ये सीएनटी एसपीटी का शुरुआती धारा से पूछा जाता है। ज्यादा ज्यादा 70 धारा तक ही पूछा गया है आपका सीएनटी में, 70 के आगे का नहीं पूछा गया है। दूसरा, बाकी जो सवाल रहेंगे, यानी कि लगभग 8 से 9 सवाल, 8 से 9 सवाल, इसमें डेफिनेशन यानी कि परिभाषा से सवाल रहेगा, परिभाषा से रहेगा। इसमें शक्ति से सवाल रहेगा, कौन सी शक्ति किसको है। इसमें कितना वर्ष वाला जो सवाल है, 5 वर्ष 12 वर्ष कहीं कहीं यूज हुआ है ना, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो इतना ज्यादा टेंशन इसको लेकर के नहीं। हाँ, ये सब नोट्स आप लोगों के पास है तो आप, या किताब है तो आप लोग वो सब पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। वर्ष जहां जहां यूज हुआ है, ये शक्ति किसके पास है, किसके पास अपील कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इसमें पूछता है, ठीक है। अनादि भोगी रैयत द्वारा लगान भुगतान करने से मना करने पर बेदखली की व्याख्या है। अनादि भोगी रैयत द्वारा लगान भुगतान करने से मना करने पर उसको बेदखली कर दिया जाएगा, ये कौन से धारा में इसकी व्याख्या दी गई है,
ठीक है, चलिए बताइए तो। हाँ बिल्कुल सब सही होगा, एकदम चिंता नहीं करना, जो होगा सही होगा। ठीक है, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। ठीक है, मगर होगा, अच्छा होगा, चिंता ना करिए आप लोग। अनादि भोगी रैयत द्वारा लगान भुगतान करने से मना करने पर बेदखली की व्याख्या किसमें है? धारा 42 में आपको मिलेगा ये। ठीक है, वो भी आपका अनादि भोगी रैयत के बारे में, रैयत द्वारा लगान भुगतान करने से अगर मना कर देता है, मना कर देने पर भू स्वामी द्वारा उपायुक्त कार्यालय में आवेदन, फिर उपायुक्त द्वारा बेदखली, मतलब ये बेदखली डायरेक्टली नहीं होगा, ये धारा 42 में जो बेदखली होगा इसमें उपायुक्त कार्यालय में आवेदन करना होगा, उपायुक्त कार्यालय में भू स्वामी द्वारा क्या किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा। ठीक है, और जो उपायुक्त होंगे, उपायुक्त बेदखल करेंगे, उपायुक्त ही बेदखल करेंगे। अगर रैयत लगान नहीं देता है, लगान भुगतान करने से मना कर देता है, तो वैसे केस में जो भूस्वामी रहेगा उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देगा और उपायुक्त जो है वो उसको बेदखल करेंगे, ये बात धारा 42 में लिखा हुआ है। ठीक है, रैयत के बारे में सब है। छूट प्राप्त भूमि से क्या मतलब है ना, छूट प्राप्त भूमि किसको कहा गया है बताइए सभी लोग। छूट प्राप्त भूमि से क्या मतलब है? एक्चुअली ये छूट प्राप्त भूमि आपको धारा 43 में देखने को मिलेगा दोस्तों, ये धारा 43 में है छूट प्राप्त भूमि। इसके बारे में अगर हम बात करें तो छूट प्राप्त भूमि उसको बोला गया है कि 10 वर्ष से अधिक है ना, 10 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम समय के लिए रजिस्ट्रीकृत लिखित मौखिक पट्टे पर धारित भूमि जो है उसको छूट प्राप्त भूमि कहा गया, सॉरी नहीं कहा गया, छूट प्राप्त भूमि से तात्पर्य नहीं है। देखिए छूट प्राप्त भूमि में कौन कौन सा आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। छूट प्राप्त भूमि में कौन कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी, ठीक है, जिसका उपयोग लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि हो, या फिर मान लीजिए कि कोई रोड निर्माण हो रहा हो, सड़क निर्माण हो रहा हो, हाईवे बन रहा हो, रेलवे ट्रैक बन रहा हो, ये सारी भूमि छूट प्राप्त भूमि में आती है, समझे। ये जो है छूट प्राप्त, ये वाला बात जो है छूट प्राप्त भूमि के संबंध में नहीं है कि 10 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम समय के लिए रजिस्ट्रीकृत लिखित मौखिक पट्टे पर धारित भूमि छूट प्राप्त नहीं होती है। छूट प्राप्त भूमि कौन सी होती है, जो लगान मुक्त होती है, जिसका उपयोग लोक कार्यों के लिए किया जाता है, समझे। लोक कार्य हुआ ना, सड़क वगैरह बनता है, जो सड़क रेलवे ट्रैक सब लोक कार्य हुआ, तो ये सब किसी छावनी के भीतर अगर सरकार की भूमि आती है तो वो भी क्या होती है, वो भी छूट प्राप्त भूमि होती है, उसमें भी लगान नहीं लगता है दोस्तों, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग हाँ ना करते जाइए ताकि थोड़ा सा एफर्ट हम चेंज करेंगे, दिक्कत अगर हो रहा है तो थोड़ा एफर्ट भी चेंज करेंगे। आप लोग बताइए कि चीजें क्लियर होती जा रही है ना। देखिए सरकार अगर किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित करती है कोई भूमि तो वो भी छूट प्राप्त भूमि में आ जाएगी, समझे। किसी छावनी के लिए है तो वो भी छूट प्राप्त भूमि आ जाएगी। ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी अधिसम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क बनाने, नहर बनाने, डैम बनाने, जलाशय बनाने जैसे लोक कार्यों के लिए हो रहा है तो वो भी छूट प्राप्त भूमि में आ जाएगी। लेकिन ये जो इस स्टेटमेंट जो सी है ना, इसमें अगर 10 वर्ष की जगह 1 वर्ष कर दिया जाए, ठीक है, 10 वर्ष की जगह क्या कर दिया जाए, 1 वर्ष कर दिया जाए, तब जाकर के ये भी भूमि क्या हो जाएगी, छूट प्राप्त भूमि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बोलता है
कि जिसे अभिधारी यानी टेनेंट अभिधारी ने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा एक वर्ष या उससे कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर, समझे, एक वर्ष अगर यहां यूज कीजिएगा, एक वर्ष से अधिक अथवा एक वर्ष से कम समय के लिए रजिस्ट्रीकृत लिखित या मौखिक पट्टे पर कोई भूमि धारित की जाती है तो यह भी क्या हो जाएगी, छूट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, छूट प्राप्त भूमि में यह भी आ जाएगी। यानी चारों हम यहां पर बताए आपको छूटे प्राप्त के बारे में बताए, बस यहां एक स्टेटमेंट गलत करना था, तो एक स्टेटमेंट में वहां एक वर्ष की जगह 10 वर्ष लिखा दिया गया था, ठीक है, इसलिए एक स्टेटमेंट यहां पे गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ ठीक। तो यहां पे याद रखिएगा, छूट प्राप्त भूमि किसको की हो, इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी जिसका उपयोग लोक कार्यों के लिए किया जा सकता है और एक वर्ष से अधिक अथवा एक वर्ष से कम समय के लिए रजिस्ट्रीकृत लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित भूमि जो होगी वो छूट प्राप्त भूमि होगी। किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि छूट प्राप्त भूमि होगी। धारा 46 के अनुसार शिड्यूल ट्राइब सदस्य अपनी जोत किन्हें हस्तांतरित नहीं कर सकते, बताइए, सीएनटी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। आंसर दीजिए। देखिए, धारा 46 के अनुसार शिड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति अपनी जोत किन्हें हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं जो उसकी जिले के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवासरत जोत स्थित हो, उसको नहीं कर सकते हैं क्या, जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवासरत जोत हो, व्यक्ति एसटी हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी व अन्य शर्त पूरी करता। ठीक है, बोल रहा 46 के अनुसार एसटी सदस्य अपनी जोत किन्हें हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, बताइए, धारा 46। 46 की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ऐसा अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपनी जोत या किसी भाग के अपने अधिकार को विक्रय कर सकता, विनिमय कर सकता है, है ना, और या दान दे सकता, दूसरे एसटी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी हो और जिसके भीतर जोत स्थित है, मतलब जहां पर वो जोत है ना वही थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और वो एसटी होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति एसटी हो, ठीक है, इसको कर सकता, इसको कर सकता, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी व अन्य शर्त पूरी करता हो, यह भी सही बात लिखा हुआ है। ठीक है, जो उसके जिले के स्थानीय सीमाओं के भीतर, ये वाला बात गलत है, ये बात एसटी सदस्य के लिए नहीं लागू होता, समझे, जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास या ज्योत स्थित हो उसी के लिए, यानी तीनों बात जो है वो एसटी सदस्य के बारे में सही है, लेकिन ये जिला वाला जो बात लिखा हुआ है ना ये एसटी सदस्य के लिए नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, समझे, ये जिला वाला बात जो किया गया है ये किसके लिए किया है जानते हैं, ये किया गया है ओबीसी और एससी के लिए, समझे, डिस्ट्रिक्ट वाला जो ऊपर वाला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए है, एससी और ओबीसी के लिए लिखा हुआ है, बाकी तीन स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, समझे, ओबीसी वाला भी याद रखिएगा, अगर वो एससी या ओबीसी, ओबीसी हो तो उसके जिले के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवासरत ज्योत स्थित हो, मतलब वो जिले के अंदर वो कर सकता, लेकिन अगर एसटी हो तो पुलिस थाने के अंतर्गत यहां पर उसका जमीन है ना वो किसी को हस्तांतरित करेगा। हस्तांतरित करने का मतलब क्या होता है जानते हैं, हस्तांतरित करने का मतलब होता है किसी को बेचना भी हो सकता है,
किसी को विनिमय अदला बदली भी करना हो सकता है, किसी को वो दान भी दे सकता है, सब आता हस्तांतरित में, समझे, सब हस्तांतरित मानता है। तो अगर एसटी सदस्य हो तो पुलिस थाना उसका सीमा है, उसी पुलिस थाने के आदमी को दे सकता है, एसटी सदस्य को ही दे सकता है, लेकिन उपायुक्त की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए और शर्त पूरी करता हो। और ये वाली बात किसके लिए है, एससी ओबीसी के लिए। किन स्थितियों में न्यायालय द्वारा ज्योत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है, किन स्थितियों में न्यायालय द्वारा ज्योत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है, ज्योत के संबंध में बकाया की वसूली के लिए, किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंध प्रक्रिया के अधिनियम, या सभी तीनों परिस्थितियों में। क्वेश्चन को समझ समझ के आप लोग आंसर देने का प्रयास करते रहें, क्वेश्चन बहुत है, तीसे हुआ है अभी बहुत क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, बढ़ाना पड़ेगा तो रात भर हो जाएगा, जिस स्पीड से चल रहे हैं रात भर लग जाएगा, रात भर हालांकि नहीं लगेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। किन स्थितियों में न्यायालय द्वारा ज्योत के अधिकार के विक्रय आदेश पारित किए जा सकते हैं, कौन सा स्थिति है, ज्योत के संबंध में बकाया की वसूली के लिए ऐसा कर सकता है, किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंध प्रक्रिया के अधिनियम के अनुसार कर सकता। ये तीनों परिस्थितियों में, याद रखिएगा, इन तीनों परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा ज्योत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है, उसको जो ज्योत का अधिकार मिला हुआ है उसको विक्रय का आदेश इन तीनों परिस्थितियों में किया जा सकता है। रसीद न दिए जाने पर दंड का प्रावधान क्या है ना, अगर मान लीजिए कि आप लगान भरते हैं, ठीक है, अगर आप लगान भरते हैं लेकिन अगर आपको रसीद नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर रसीद नहीं मिल रहा है तो वैसे कंडीशन में, वैसे कंडीशन में बोल रहा है कि क्या दंड का प्रावधान है, 100 रुपया में 1 साल का कारावास, सिर्फ 1 महीना का कारावास, 500 रुपया में 3 महीना का कारावास, सिर्फ 100 से 500 रुपया तक का जुर्माना। चलिए चार ऑप्शन है, पढ़िए जल्दी से, कि रसीद नहीं दिए जाने पर कितना दंड का प्रावधान है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर रसीद नहीं मिलता है आपको, हाँ, तो उस स्थिति में 100 रुपया एवं 1 साल का कारावास का सजा है, अगर आप लगान भरते हैं और आपको रसीद नहीं देता है उस कंडीशन में। अब तो ऑनलाइन रसीद अपलोड हो जाता है, लगान की बकाया राशि पर अधिकतम ब्याज पर भारित होगा, है ना, लगान की बकाया राशि पर अधिकतम ब्याज भारित कितना होता है बताइए, जो लगान की बकाया राशि है उस पर अधिकतम ब्याज कितना भारित होगा यह बताना है, ब्याज दर होगा, ब्याज दर, ठीक है, लगान की बकाया राशि पर अधिकतम ब्याज दर कितना भारित होगा जानते हैं, यह भारित होगा 6.25%, लेकिन यह 6.25% किस ये में होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में होगा कि साधारण ब्याज में होगा, हाँ, 6.25% ये याद रखिएगा, अगर लगान का बकाया है तो अधिकतम जो ब्याज दर भारित होगा, ज्यादा से ज्यादा जो ब्याज दर लगेगा 6.25% लगेगा, लेकिन ये साधारण ब्याज लगेगा, कितना, क्या लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा दोस्तों, क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड, आइए नेक्स्ट। वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण अपरिवर्तित लगान की अपरिवर्तित रहने की कालावधि क्या है, आज हड़बड़ में बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण
अपरिवर्तित लगान की अपरिवर्तित रहने की कालावधि कितना है, मतलब कितने साल अगर वस्तु रूप में लगान दिया लगान दे हो तो रूपांतरित रूपांतरण जो है अपरिवर्तित लगान की अपरिवर्तित रहने की मतलब कितना समय तक वो लगान चेंज नहीं होगा, समझे, कितना समय तक लगान वो चेंज नहीं होगा। क्या बोले सर, एक महीना होगा कारावास ना या 100 रुपया, दोनों होगा, एक 100 रुपया और एक सर एक महीना होगा कारावास या 100 रुपया या दोनों। पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में जो आपने बोला 100 रुपया एवं एक माह कारावास दोनों होगा, 100 रुपीज अगर लगान का रसीद नहीं देता है तो 100 रुपया और एक महीना दोनों होगा, ऐसा नहीं कि एक होगा, दोनों, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए तो सभी लोग, कितना वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इसका सही उत्तर होगा 15 वर्ष। वस्तु के रूप में देह लगान का रूपांतरण अपरिवर्तित जो रहने की कालावधि वो 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक लगान में परिवर्तन नहीं होगा। धारा 67 का क कोड़कर में परिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारित छूट काल क्या होगा, धारा 67 का क जो है कोड़कर में परिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारित छूट काल क्या होगा, कोड़कर में बदले जाने के उपरांत से ही लेकर 5 वर्ष तक, कोड़कर में बदले जाने के बाद कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 5 वर्ष तक, कोड़कर में बदले जाने के बाद कृषि वर्ष की फसल की कटाई से 4 वर्ष तक या कुल 10 वर्ष तक। चलिए उत्तर दीजिए तो सभी लोग, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिए दोस्तों। उत्तम कुमार जी, सब अपने अपने जगह पर अच्छा पोस्ट है, कोई पोस्ट खराब नहीं होता है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल अच्छा पोस्ट है कि जेपीएससी, दोनों अपने अपने जगह पर अच्छा है, एक में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, एक में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, पोस्ट कोई खराब नहीं होता, ठीक ना। चलिए कौन सा आंसर होगा, देखिए इसका होगा कोड़कर में बदले जाने के बाद, कोड़कर में बदले जाने के बाद कृषि वर्ष की फसल की कटाई से 4 वर्ष तक, ये वाला बात याद रखिएगा, ठीक है, कोड़कर में बदले जाने के बाद कृषि वर्ष की फसल की कटाई से 4 वर्ष होगा कि 5 वर्ष होगा जी, हाँ 4 वर्ष होगा कि 5 वर्ष होगा, धारा 67 के क में है, एक सेकेंड, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, 4 वर्ष की अवधि बाद, ठीक है, 5 वर्ष नहीं होगा इस केस में, कोड़कर में बदले जाने के बाद कृषि वर्ष की फसल की कटाई से 4 वर्ष तक, कोड़कर में परिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण छूट काल क्या होगा, 4 वर्ष होगा, ठीक है। कस्तकार को बेदखल कब किया जा सकता है, केवल डिक्री या उपायुक्त के आदेश पर, पंचायत के निर्देश पर, गांव के कम से कम 5 रैयतधारी द्वारा शिकायत पर, या सभी ऑप्शन है। कस्तकार को उसकी कस्तकारी से बेदखल किस कंडीशन में किया जा सकता है, बताइए सभी लोग, कस्तकार को उसकी कस्तकारी से बेदखल किस कंडीशन में किया जा सकता है, तो कस्तकार को बेदखल करने का है कि केवल डिक्री या उपायुक्त के आदेश पर ही कस्तकार की कस्तकारी को खत्म किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है, सिर्फ यही ऑप्शन है, ऐसा नहीं पंचायत निर्देश दे दे या गांव में 5 आदमी 5 रैयतधारी बोल दे, सब गलत बात है। कस्तकार को उसकी कस्तकारी से बेदखल करने का जो पावर है वो उपायुक्त के पास है, केवल डिक्री, डिक्री मतलब ये कोर्ट में होता है, या उपायुक्त के आदेश, ये दो ही चीज है जिससे कस्तकार के कस्तकारी से बेदखल किया जा सकता है,
क्लियर हुआ? चलिए गुड, अगला देखिए। एसटी अंतरक या उसका कोई वारिस उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्पण के लिए सहमत ना होने की दशा में किसी भी खरीदार को दिया जा सकेगा। सरकार अपने अधीन कर लेगी, सरकार अपने अधीन कर लेगी, राज्य के किसी भी एसटी को दिया जा सकेगा। स्थानीय नियमानुसार एसटी के दूसरे रैयत के साथ पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा। चलिए बताइए, ये प्रैक्टिस, ये चैप्टर देखिए, ये चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लिए तो 8-10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा। 12 प्रश्न आता है इस चैप्टर से, आपको 8-10 प्रश्न को पकड़ना है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में जाकर के एक एक चीज को बस ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। खासकर मैंने आपको बता दिया ट्रिक कि कौन कौन सी चीज पर ध्यान रखना है, किसको किस चीज क्या करने की शक्ति प्राप्त है, इसको देख लीजिए पूरा। उसके बाद जो ईयर वाला वीडियो मेंशन है वो ईयर वाला से प्रश्न रहता है, बहुत सारा है इसका टाइप क्वेश्चन पूछने का। ओके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय नियमानुसार एसटी के दूसरे रैयत के साथ पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा। एसटी अंतरक जो है, जो अंतरण कर रहा है भूमि, या उसका कोई वारिस उपलब्ध नहीं होने या प्रत्यर्पण के लिए सहमत ना होने की दशा में स्थानीय नियमानुसार एसटी के दूसरे रैयत के साथ पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा, यानी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि, मतलब कानून के खिलाफ है ना, मतलब वो नियम नहीं है लेकिन उसके विरुद्ध भूमि का अंतरण कर दिया, तो विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध में दंड का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है, समझे? विधि विरुद्ध यानी नियम के अकॉर्डिंग, नियम के खिलाफ जाकर के, देखिए हीना जी अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, 3 वीडियो YouTube पर सीएनटी एक्ट का, हमारा थ्योरी क्लास का पड़ा हुआ है, सीएनटी एसपीटी एक्ट का 3 वीडियो है, लगभग एक है 2.5-3 घंटे का, एक है फिर 1.5 घंटे का, फिर इस तरह से 3 वीडियो है, आप उसको स्पीड में बढ़ा करके देख लीजिएगा तो आपको सीएनटी एसपीटी समझ में आ जाएगा। उसमें जो पहला वीडियो है बहुत कंसेप्चुअल है, और उस वीडियो को लगभग 1,60,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीएनटी एक्ट का थ्योरी वीडियो है हमारा यूट्यूब पर, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला। चलिए वीक क्यों है, वीक को ठीक करने का आपको मौका मिला था ना, ठीक कर सकते थे, वीक क्यों है इसका, चलिए बताइए। देखिए ये आपका धारा जो है ना 71 का ख है, धारा 71 का ख जो है ना, इसमें इसका वर्णन है, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध में दंड जो है, ये धारा 71 के ख में है, इसमें जो दंड है ना 3 वर्ष का कारावास या 1,000 जुर्माना या दोनों, ठीक है। इसमें जो दंड है जो है ना दोस्तों 71 के ख में, एक है आपका दंड जो है वो क्या है जानते हैं, 3 वर्ष कारावास या 1,000 जुर्माना, 3 वर्ष कारावास या 1,000 जुर्माना या दोनों, ठीक है। 3 वर्ष कारावास, 1,000 जुर्माना या दोनों, ये प्रावधान आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अपराध जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन अधिकतम ₹50 जुर्माना, अपराध अगर लगातार जारी है, अपराध जारी रहने की दिशा में, जारी रहने की दशा में ठीक है,
अपराध जारी रहने की दशा में क्या बोल रहा है कि वैसे कंडीशन में जो है ना प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपया पर डे, प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपया, प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपया, ठीक है। धारा 71 के ख के अधीन धारा 46 के उल्लंघन के फलस्वरूप दंड का क्या प्रावधान है, अभी बताया आप लोग को, 3 वर्ष का कारावास व 1000 का जुर्माना। ये बात अपराध जारी रखने, अपराध जारी रखने की दशा में 50 रुपया प्रतिदिन भी है, यानी कि आपका बी और सी आंसर हो जाएगा, यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग किस धारा के अधीन होगा, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग किस धारा के अधीन होगा यह आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग ये किस धारा के अधीन होगा यह बताना है, कमेंट करिए। तो देखिए, रैयत भूमि का परित्याग करेगा यह धारा 73 में है, ठीक है। किसमें है, 73 धारा में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि अध्याय 10 में है, अध्याय 10 के 73 में, अध्याय 10 में आता है ये, अध्याय 10 में आता है, ठीक है। 73 में आपको देखने को मिलेगा रैयत द्वारा भूमि का परित्याग, अधिभोग का जारी होना 74 में और भूमि का माप जो है वो धारा 75 में, ठीक है। भूमि का माप किसमें है, भूमि का माप की बात अगर कर देगा कभी तो ये आपको मिलेगा धारा 75 में, धारा 75, ठीक है। अधिकार अभिलेख लगान निर्धारण, अधिकार अभिलेख लगान निर्धारण सीएनटी के किस अध्याय को सौंपित है, अधिकार अभिलेख लगान निर्धारण सीएनटी के किस अध्याय को सौंपित है, बताइए, उत्तर दीजिए सभी लोग, किसमें है, अध्याय में, अध्याय 12 में है ये, ठीक है। अध्याय 12 में क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, ठीक है, अधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण, अध्याय 12 में क्या है, अधिकार अभिलेख और यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है अध्याय 12 में, है ना। अधिकार अभिलेख लगान निर्धारण सीएनटी के किस अध्याय को सौंपित है दोस्तों, किस अध्याय में ये वर्णित है, तो आपका हो जाएगा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट अध्याय 12 के अंदर। उसके पहले अध्याय जो 11 है उसमें रूढ़ी या संविदा है, जो हम आप लोग को वीडियो में बताए भी हैं, अध्याय 11 में क्या है, रूढ़ी व संविदा, रूढ़ी या रूढ़ी व संविदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धारा 80 सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने को आदेश देने की शक्ति निहित है, धारा 80 में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने के को आदेश देने की, अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश देने की शक्ति किसमें निहित है, राज्य सरकार में, केवल राज्य सरकार एवं डीसी को, राज्य सरकार एवं राजस्व अधिकारी को, सरकारी अमीन को, क्या होगा, किसके पास शक्ति है ये बताइए, केवल राज्य सरकार को पास शक्ति है, राज्य सरकार व डीसी के पास है, राज्य सरकार व राजस्व अधिकारी के पास है, सर्वेक्षण करना, ठीक है, सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश देने, ये जो शक्ति है दोस्तों, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसा कर सकता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये शक्ति जो है राज्य सरकार एवं राजस्व अधिकारी के पास, ठीक है, यानी राज्य सरकार ही करेगा, लेकिन राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा, राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करवाएगा, ठीक है, राज्य सरकार किसी
राजस्व अधिकारी के द्वारा वो सर्वेक्षण करवाएं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, अधिकार संबंधी अभिलेख के आंतिक प्रकाशन, ठीक है, अधिकार संबंधी अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बंद पक्षों के मध्य उत्पन्न वाद को किसके समक्ष रखा जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम टाइपिंग देख लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अधिकार संबंधी अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद पक्षों के मध्य, अंतिम प्रकाशन के बाद पक्षों के मध्य उत्पन्न, पक्षों के मध्य क्या होगा? पक्षों के मध्य उत्पन्न वाद, ये वाद होगा, पक्षों के मध्य उत्पन्न वाद को किसके समक्ष रखा जाएगा? डीएम के समक्ष, डीसी के समक्ष, जिला सत्र न्यायालय के समक्ष या राजस्व अधिकारी के समक्ष? बताइए, सभी लोग बताइए। अधिकार संबंधी अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद पक्षों के बीच में जो उत्पन्न वाद होगा वो किसके समक्ष रखा जाएगा, है ना? ये किसके समक्ष रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा दोस्तों राजस्व अधिकारी के समक्ष। किसके समक्ष? राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब जो है ना, मेरा जो एनर्जी है लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा है कि आज 108 क्वेश्चन में करा पाऊं, क्योंकि शायद अगर मैं 108 क्वेश्चन कराने लग गया आज तो शायद मुझे चक्कर आ जाए। इसलिए आज सोच रहा हूं मैं 50 करवा देता हूं, फिर कल दोपहर में एक लाइव ले आऊंगा, ठीक है, उसमें आप बाकी बचा क्वेश्चन करा देंगे, और फिर आपका परसों महामैराथन क्लास भी है तो उसका भी तैयारी करना है, अच्छे क्वेश्चन के कंटेंट उसके लिए आपके लिए लाना है, एक्सप्लेनेशन बेहतरीन लाना है, ठीक है, नहीं हो पाएगा आज 116, मुझे लगा था हो जाएगा, लेकिन अब जो है मेरा एनर्जी जवाब दे रहा है, क्योंकि उस टाइप से मैं सुबह से प्रिपेयर नहीं था, सुबह से थोड़ी सी, मैंने कल के क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसके बावजूद आपके एग्जाम्स हैं, इसलिए मैं एक दिन भी पिछले 12-13 दिनों से एक दिन भी जो है क्लास को रोका नहीं हूँ, हर दिन क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, 1.5 घंटे 2 घंटे, उसके पीछे दिन भर काम। अधिकारी अभिलेख और लगान निर्धारण संबंधी वाद, हर जगह वाद को लिख दिया है, वाद वाद होगा, वाद का पुनरीक्षण का समय काल बताइए, ठीक है, इसका बताइए तो समय काल क्या होगा, जल्दी जल्दी करिए, पुनरीक्षण का समय काल क्या होगा? इसका समय काल होगा दोस्तों आवेदन करने के 12 माह के भीतर, ठीक है, अधिकारी अभिलेख और लगान निर्धारण संबंधी वाद का पुनरीक्षण का समय काल क्या होगा? आवेदन करने के 12 महीना के भीतर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिकार अभिलेख के आदेश रोके जाने का दायरा है, अधिकार अभिलेख के यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के आदेश रोके जाने का दायरा है अंतिम प्रकाशन के बाद 6 माह तक उपायुक्त या न्यायालय द्वारा, प्रथम प्रकाशन के 12 माह तक उपायुक्त या न्यायालय द्वारा, अंतिम प्रकाशन के 12 माह तक उपायुक्त या न्यायालय द्वारा, अंतिम प्रकाशन के 12 माह उपायुक्त या न्यायालय द्वारा। देखिए कौन सा होगा, अधिकार अभिलेख के आदेश रोके जाने का दायरा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, हाँ जल्दी बताइए, तो जल्दी फटाफट आंसर, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, मैं ज्यादा आज दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, मेन मकसद आज प्रैक्टिस का है, पढ़ाना मकसद नहीं है आज, पढ़ाने का जो है पहले मैं करा चुका हूं,
तो मेन मकसद आपका प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस होना चाहिए। आप चूंकि रीड कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, है ना। चलिए उत्तर दीजिए तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतिम प्रकाशन के बाद 6 माह तक उपायुक्त या न्यायालय द्वारा, अंतिम प्रकाशन के 6 माह तक उपायुक्त या न्यायालय द्वारा, यानी इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद 6 महीना तक उपायुक्त एवं न्यायालय द्वारा जो है आदेश रोके जाने का दायरा है, मतलब आदेश रोका जा सकता है अंतिम प्रकाशन के बाद 6 माह तक उपायुक्त के द्वारा या न्यायालय के द्वारा, ठीक है। अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालय की अधिकारिता वर्णित है, न्यायालय की अधिकारिता वर्णित है धारा 92 में, धारा 91 में, धारा 90 में, धारा 89 में। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताओ दोस्त, सभी लोग बताओ। ठीक है जय गुप्ता, कोशिश कर रहे हैं। किसमें है ये सोचिए, दिमाग लगाइए, पढ़े हैं तो। धारा 92 में है, धारा 92 में अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालय, देखिए ये धारा लो क्वेश्चन का एक ट्रिक मैंने बताया भी था क्लास में आप लोग को, कि आप जो है ना विषय याद कर लीजिए, है ना, विषय जो है वो कौन से अध्याय में है, तो उससे वो जो विषय है ना उससे रिलेट करके आप धारा, चूंकि आप धारा में ये अध्याय में ये चीज पढ़ लीजिएगा कि कौन से धारा से कौन से धारा तक इस अध्याय में ये बात लिखा हुआ है, तो उससे लिंक करके आप धारा वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं, समझे। उस पर आपको वर्क करना होगा, जो ऐसा मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, क्या था क्या तरीका है कि अगर आपको ये 19 अध्याय सीएनटी एक्ट का पता चल गया, 271 धारा तो नहीं रट सकते हो, 19 अध्याय आपको पता चल गया कि इस अध्याय में ये है, इस अध्याय में ये है, साथ ही साथ ये पता चल गया कि इस अध्याय में इतना से इतना धारा तक है, इतना से इतना धारा तक है, तो उससे रिलेट करके, विषय से रिलेट करके आप धारा को आराम से ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हो। लेकिन इतना मेहनत आप लोग करिएगा तब ना। हाँ चल, करार या समझौते को लागू करने की शक्ति किसमें निहित है, बताइए। राजस्व अधिकारी में, सिर्फ डीसी में, राजस्व अधिकारी में, सिर्फ डीसी या राजस्व अधिकारी में। यहां पर आपको धारा भी दे दिया है, धारा 93 राजस्व अधिकारी को, धारा 96 सिर्फ डीसी को, धारा 96 राजस्व अधिकारी को, धारा 99 सिर्फ डीसी और राज्य सरकार को। करार या समझौता लागू करने की शक्ति किसमें है, करार या समझौता लागू करने की शक्ति किसमें है? बिल्कुल, करार या समझौता लागू करने की जो शक्ति है दोस्तों, धारा 96 में राजस्व अधिकारी के पास है। किसके पास है? राजस्व अधिकारी जो है वो करार को जो है, राजस्व अधिकारी जो है वो रद्द कर सकता है। ठीक है, ये अभिषेक राज क्या बोल रहा है जी, एग्जाम कैंसिल हो गया, क्यों बोल रहा है ऐसा है? प्रोविजनल एडमिट कार्ड अभी आया है ना, अभी प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया आज, आज थोड़ा सा दिख रहा है, साइट तो गजब का स्लो है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, भूमि संबंधी शर्तें एवं उसका रूपांतरण और अभिलेख उल्लेखित है, भूमि संबंधी शर्तें एवं उसका रूपांतरण और अभिलेख किस किस धारा से किस धारा के बीच में ये आपको मिलेगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। धारा जो है ये हो जाएगा धारा 104 से लेकर के 117 तक, कितना से, धारा 104 से धारा 117 तक, ठीक है, यानी अध्याय भी आप लोग को इसमें देख लेना होगा। भूमि संबंधी शर्तें एवं उसका रूपांतरण का अभिलेख धारा 101 से होगा, सॉरी ये धारा 104 नहीं होगा, धारा 101, धारा 101 से धारा 117 तक होगा, और ये आपको अध्याय 13 में मिलेगा, अध्याय 13, ठीक है, अध्याय 13 में मिलेगा। अगला देखिए,
किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए पूर्व की शर्त निर्धारित ना हो वहां क्या लागू होगा? केंद्रीय कानून लागू होगा, न्यायालय का विशेष आदेश लागू होगा, स्थानीय लोक कानून लागू होगा कि सभी लागू होगा? किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए पूर्व की शर्त निर्धारित ना हो वहां पर क्या लागू होगा बताइए, वहां पर क्या लागू होगा? चलिए बहुत अच्छे। हाँ, सुबह में आज हो रहा था एडमिट कार्ड डाउनलोड, सुबह में इजिली हो रहा था, बहुत लोग सुबह में कर लिया था, लेकिन फिर 9-10 बजे के बाद जो है पूरा जो सर्वर है वो बिजी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? स्थानीय लोक कानून के अकॉर्डिंग होगा, समझे? किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए पूर्व की शर्त निर्धारित ना हो वहां क्या लागू होगा? स्थानीय लोक कानून लागू होगा। क्या लागू होगा दोस्तों? स्थानीय लोक कानून। यदि किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मुख्य का मुख्य निर्धारण आवश्यक हो, इस क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है किसी यदि किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण आवश्यक हो, ये मूल्य होगा मुख्य नहीं होगा, मूल्य, ठीक है, यदि किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण आवश्यक हो तो उस कंडीशन में चार ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए, लंबा लंबा ऑप्शन है, मैं ज्यादा ऑप्शन पढ़ूंगा तो मैं ज्यादा थक जाऊंगा, आप लोग को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हाँ बताइए तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्या होगा? यह जो है ना पिछले 10 वर्ष हो या इससे कम अवधि का औसत मूल्य माना जाएगा, समझे? यदि किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण आवश्यक हो तो यह पिछले 10 वर्ष या उससे कम अवधि का औसत मूल्य माना जाएगा। ठीक है, या पिछले 10 वर्ष या उससे कम अवधि का औसत मूल्य माना जाएगा। भू स्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख व्याख्यित है। ठीक है, भू स्वामियों का विशेषाधिकार मिला हुआ है, समझे? भू स्वामी लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो कौन से धारा से कौन से धारा तक ये वर्णित है, अध्याय 14 में आप लोग देखे होंगे, 118 से 126 है, समझे? 118 से 126 जो है, अध्याय 14 जो है ना, अध्याय 14 जो है 118 से 126 तक वाला, ये भू स्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि है ना, भू स्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि अध्याय 14 में धारा 118 से 126 तक। जिरात मान तथा सीएनटी एक्ट 1869 के अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मंजिहस या बड़खेता किसका एक प्रकार है? ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जिरात मान तथा सीएनटी एक्ट 1869 में जो एक्ट आया था उसके अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मंजिहस या बड़खेता किसका एक प्रकार है? मंजिहस या बड़खेता किसका एक प्रकार है? तो ये भू अभिलेख का प्रकार है। जिरात मान तथा सीएनटी एक्ट 1869 के अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मंजिहस या बड़खेता जो है ये किसका प्रकार है? भू अभिलेख का प्रकार है। ठीक है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण का निर्देश दे सकती है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण का निर्देश दे सकती है। भू सर्वेक्षण अधिकारी को दे सकती है, फॉरेस्टर को दे सकती है, राजस्व अधिकारी को दे सकती है कि सिर्फ डीसी को दे सकती है? बताइए, सभी लोग बताइए, बताने का प्रयास कीजिए, किसको दे सकती है? देखिए, इस तरह का सवाल में आप देखते आ रहे होंगे, कई जगह पर इसका आंसर राजस्व अधिकारी आ रहा है,
तो आप देख लीजिएगा, मैं आज के क्वेश्चन बताऊं उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका भी सही उत्तर क्या होगा, राजस्व अधिकारी ही होगा, समझे, रेवेन्यू ऑफिसर ही इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्व अधिकारी को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, किनके द्वारा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत ग्राम मुखिया अभिधारकों के किसी वर्ग के अधिकारों या बाध्यताओं के अभिलेख तैयार किया जाएगा, ठीक है, किनके द्वारा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत ग्राम मुखिया अभिधारकों के किसी वर्ग के अधिकारों या बाध्यताओं का अभिलेख तैयार किया जाए, केवल राज्य सरकार द्वारा, केवल राजस्व अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व अधिकारी द्वारा, केंद्र सरकार के आदेश पर वन अधिकारी द्वारा, बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, किनके द्वारा होगा ये। देखो बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं, राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व अधिकारी द्वारा, अध्याय 15, अध्याय 15, एक सेकेंड, हाँ, अध्याय 15 के तैयार अभिलेख की किसी अशुद्धता के संबंध में प्रविष्टि दर्ज की जा सकती है 6 माह के भीतर राजस्व पदाधिकारी द्वारा, 3 माह के भीतर राजस्व पदाधिकारी द्वारा, 1 महीना के भीतर राजस्व पदाधिकारी द्वारा, या 6 महीना के भीतर राजस्व न्यायालय द्वारा। अध्याय 15 के तैयार अभिलेख को, अभिलेख की किसी अशुद्धता, अगर अभिलेख तैयार है तो उसमें कुछ अशुद्धि है, उसके संबंध में प्रविष्टि दर्ज की जा सकती है कि इसमें अशुद्धि है, ये कितना माह के भीतर दी जा सकती है, एक पॉइंट ये हो गया, और किसको दी जा सकती है ना, ये प्रविष्टि किसको दर्ज की जा सकती है, किसके इसमें अशुद्धि है, समझे, अभिलेख में अशुद्धि है ये बात, कंप्लेन एक तरह से कह सकते हैं, इसमें अशुद्धि कितने दिन के अंदर देना है और किसको देना है ना, ये दोनों बातें हैं, कितने दिन के अंदर देना है और किसको देना है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो ये है आपका, 3 महीना के भीतर आपको क्या करना है, प्रविष्टि दर्ज कराना है अभिलेख की अशुद्धता के बारे में, 3 महीना के भीतर कराना है और राजस्व पदाधिकारी को कराना है। ये तो क्लियर था कि राजस्व पदाधिकारी को कराना है, लेकिन कितना दिन के भीतर करवाना है, 3 महीना के भीतर जो है राजस्व पदाधिकारी को करवाना है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट आइए। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय है ना, यानी उपायुक्त के संज्ञान में जो विषय आ गया है उसकी न्यायिक प्रक्रिया कौन से अध्याय में है, हालांकि धारा लिखा हुआ है लेकिन धारा का एक रेंज लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग अध्याय भी बोलेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख आपका अध्याय 16 में है दोस्तों, अध्याय 16 जो कि 135 से 229 तक है, बहुत बड़ा अध्याय है, 135 से 229 तक अध्याय 16 है, अध्याय 16 है, बहुत बड़ा अध्याय है, इसमें बहुत ज्यादा धारा है, सबसे ज्यादा धारा है, अध्याय 16 के अंदर सबसे ज्यादा धारा है, कहीं क्वेश्चन में यही ना पूछ दे कि कौन से अध्याय में सबसे ज्यादा धारा है, ठीक है, तो अध्याय 16 में आपको सबसे ज्यादा धारा मिलेगा 135 से 229 तक। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है, उपायुक्त के संज्ञेय में जो विषय आ गया है ना उसका न्यायिक प्रक्रिया हो सकता है, अध्याय 16 में है, धारा 135 से 229, सबसे बड़ा अध्याय यही है, सबसे बड़ा अध्याय यही है दोस्तों, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है ना दोस्तों, हाँ, थोड़ा सा थक गया हूं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। धारा 135 के अंतर्गत उपायुक्त अपना न्यायालय किस स्थान को बना सकता है, धारा 135 के अंतर्गत लिखा हुआ ये कि उपायुक्त अपना न्यायालय जो है किस स्थान पर बना सकता है, केवल जिला कार्यालय में, केवल सरकारी कार्यालय में, केवल अपने कार्यालय को, या अपने आधिकारिक सीमा के अंदर कहीं भी न्यायालय बना सकता है, मतलब निर्णय वगैरह देने के लिए 135 के अनुसार ये पूछ रहा है, बताइए। तो उपायुक्त के न्यायालय के स्थान की बात करें तो इस एक्ट के अधीन वादों, कोई भी वाद आता है, विवाद आता है, तो वादों के आवेदनों की सुनवाई के लिए क्या करेगा ना, उपायुक्त अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय बना सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं अपना कार्यालय में बनाए, जिला में बनाए,
कहीं भी बना सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वादों के निपटारे के लिए अपने आधिकारिक सीमा के अंदर कहीं भी वो न्यायालय बना सकता है, उपायुक्त महोदय, ठीक है। चलिए लाइक बटन सब लोग दबा दीजिए दोस्तों, अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि 1,500 लाइक आप लोग कर दिए होंगे, क्योंकि लगभग 6,000 लोग वीडियो देख लिए अभी तक। तो निवेदन है सबसे एक बार कि लाइक बटन को दबा दीजिए, नहीं किए हैं बहुत लोग, मुझे बोलना पड़ता है आजकल, ठीक है, बिना बोले बहुत लोग लाइक बटन को नहीं क्लिक करते हैं। तो प्लीज दोस्तों आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, अभी नहीं हुआ है, अभी 250-300 बचा हुआ है, और आप लोग आराम से तुरंत चाहेंगे तो तुरंत आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सुन जाइए मेरी बात एक बार, देखो मेरा फोन भी पूरी तरह से हैंग कर रहा है। क्या हो गया यार फोन को, छोड़ो दूसरा फोन देख लेते हैं। चलिए जल्दी से कर दीजिए, 1,000 जल्दी से कीजिए ना, तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो वाद एवं आवेदन देने का कार्यालय होगा जिला राजस्व अधिकारी, उप कलेक्टर कार्यालय, पंचायत कार्यालय, ये केवल ए और बी, कौन सा हो जाएगा बताइए, कहां पर कार्यालय कहां पर होगा। तो ये आपका 138 नंबर जो धारा है उसमें प्रावधान है ना, एक सेकेंड, अच्छा 138 में नहीं है। वाद या आवेदन देने का कार्यालय कहां पर होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। वाद या आवेदन देने का जो कार्यालय होगा कहां पर होगा, जिला राजस्व अधिकारी के पास होगा, उप कलेक्टर कार्यालय होगा, पंचायत कार्यालय होगा, या दो जगह पर होगा, सोचिए। चलिए बताइए जल्दी से, ये कार्यालय जो वाद का जो कार्यालय होगा वो कहां कहां होगा। तो एक जिला राजस्व अधिकारी का कार्यालय होगा और उप कलेक्टर कार्यालय होगा, समझे, जिला राजस्व अधिकारी और उप कलेक्टर कार्यालय दोनों जगहों पर होगा वाद एवं आवेदन का कार्यालय। वाद या आवेदन देने का कार्यालय कहां कहां होगा दोस्तों, जिला राजस्व अधिकारी और उप कलेक्टर कार्यालय दोनों जगहों पर होगा, ठीक है। कोई वाद या आवेदन राजस्व अधिकारी व कलेक्टर से वापस कौन ले सकता है, ठीक है, कोई वाद या आवेदन राजस्व अधिकारी व कलेक्टर से वापस लेना, अगर वो आवेदन को वापस लेना है तो कौन ले सकता है, राज्य सरकार, डीएम, उपायुक्त या सभी, है ना, कौन ले सकता है बताइए। तो ये उपायुक्त के पास ये पावर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये पावर किसके पास है, उपायुक्त। कोई वाद या आवेदन राजस्व अधिकारी व कलेक्टर से वापस कौन ले सकता है, उपायुक्त महोदय ले सकते हैं, ठीक है। भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में होने की स्थिति में क्या प्रावधान है, जिला अधिकारी मीटिंग कर बहुमत से निर्णय करेंगे, राज्य सरकार जिसे निर्देश देगी, लॉटरी की जाएगी, आर्थिक भू हिस्से वाले जिला को दिया जाएगा, यानी भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में होता है अगर है तो होने की स्थिति में क्या प्रावधान है ना, बताइए तो जल्दी से, बढ़िया प्रश्न है ये, इससे भी कौन फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। भूमि एक से अधिक जिले अनुमंडल में होने पर ज्यादा हिस्से वाले के अंदर किया जाएगा, समझे, किसके अंदर किया जाएगा, भूमि एक से अधिक जिले अनुमंडल की स्थिति में
ज्यादा हिस्सा मतलब ज्यादा भूमि जिस जिले में रहेगा ना उसी के अंदर किया जाएगा, ठीक है। ज्यादा भूमि जिसके अंदर रहेगा उसी के अंदर किया जाएगा दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिक भू जिले, ये अधिक होगा। आज ना टाइपिस्ट भी है ना वो मेरे को कंफ्यूज कर दिया है टाइपिंग गलती करके। अधिक भू हिस्से वाला जिला, यानी भूमि एक से अधिक जिले अनुमंडल में होगा ना, तो अधिक भूमि जिस हिस्से में आएगा ना उसी जिला में दिया जाएगा, ठीक है। ये सब बस दिमाग में थोड़ा थोड़ा रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अधिक होगा, अधिक को आर्थिक टाइप कर दिया। उपायुक्त के अनन्य अधिकारिता न्यायालय ऐसे वाद को ग्रहण नहीं करेगी, बोल रहा है उपायुक्त के अनन्य अधिकारिता न्यायालय ऐसे वाद को ग्रहण नहीं करेगी जो उपायुक्त के संज्ञेय में हो, पहला। दूसरा, जो राज्य के संज्ञेय में हो, जो राजस्व विभाग के संज्ञेय में हो, या सभी। उपायुक्त के अनन्य अधिकारिता न्यायालय ऐसे वाद को ग्रहण नहीं करेगी, कैसे वाद को ग्रहण नहीं करेगी, कौन से वाद को ग्रहण नहीं करेगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। टीसू सिंह जी अभी आए हैं लाइव, लग रहा है इतना लेट में 11 बजे। चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा, किसको ग्रहण नहीं करेगी। देखिए, उपायुक्त के अनन्य अधिकारिता न्यायालय ऐसे वाद को ग्रहण नहीं करेगी जो उपायुक्त के संज्ञान में हो, मतलब उपायुक्त के पास वो जानकारी हो उस वाद के बारे में, तो ऐसे जो वाद होंगे उसको ग्रहण नहीं करेगा उपायुक्त का अनन्य अधिकारी, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात जो है ना आपका, एक सेकेंड मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, ठीक है। उपायुक्त के अनन्य अधिकारिता न्यायालय जो है ऐसे वाद का ग्रहण नहीं करेगा जो वाद उपायुक्त के संज्ञान में हो, ठीक है। उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा गवाही एवं प्रस्तुति करने की प्रक्रिया पर निर्णय का वर्णन है, ये बात किस धारा में, ये भी एक आप कह सकते हैं कि अध्याय ही है। उपायुक्त के न्यायालय अध्याय नहीं है, धारा के अंदर, मतलब जो सबसे बड़ा वाला जो अध्याय है ना उसी के अंदर आता है ये, अध्याय 16 के अंतर्गत। उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा गवाही एवं प्रस्तुति करने की प्रक्रिया का जो वर्णन है, प्रक्रिया का जो निर्णय का वर्णन है वो किस धारा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों किसमें, 141 से 176 के बीच मिलेगा, 141 से 176, इसमें क्या है, उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा गवाही एवं प्रस्तुति करने की प्रक्रिया का निर्णय का वर्णन है, ठीक है। भू स्वामी द्वारा पट्टा नहीं देने पर उपायुक्त की रैयत को पट्टा देने की शक्ति किस धारा में है, भू स्वामी द्वारा पट्टा नहीं देने पर उपायुक्त की रैयत को पट्टा देने की शक्ति किस धारा में है। अगर भू स्वामी द्वारा पट्टा नहीं दिया जाता है तो उपायुक्त की रैयत को पट्टा देने की शक्ति, मतलब अगर भू स्वामी किसी रैयत को पट्टा नहीं देता है ना तो उपायुक्त तो उसको पट्टा दे सकता है, समझे, उसको उपायुक्त पट्टा दे सकता है। ये 179 नंबर जो धारा है इसमें ये बात शक्ति जो है किसको दिया गया है, उपायुक्त के पास ये शक्ति है, ठीक है। चलिए अब क्या करें, एक सेशन और कर लेते हैं यार, कल इसमें कल 1.5 घंटे का एक सेशन और कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा, 40-50 क्वेश्चन बचा हुआ है। केवल सीधे आंसर भी बता देना, आप लोग पढ़े हो कितना, वो उतना लाभकारी नहीं होगा। तो ऐसे भी 11 बज चुका है, मुझे भी भूख भी लग गई है, खाया भी नहीं हूँ और कल से सही से सोया भी नहीं हूँ, तो
जब तबीयत खराब हो जाएगी तो परसों वाला सेशन बिगड़ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा झारखंड का रिवीजन है। तो जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि संपूर्ण झारखंड का जो रिवीजन आएगा वो 14 तारीख को आएगा, ठीक है? 15 को भी कुछ करवा देंगे, चिंता मत करिए। 14 तारीख को संपूर्ण झारखंड जीके का हम रिवीजन सेशन लाएंगे जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो सेशन होगा शाम 4 बजे से, लिख लीजिए, शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक, ठीक है? शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक महामैराथन क्लास आ रहा है, झारखंड जीके का संपूर्ण रिवीजन, झारखंड जीके का संपूर्ण रिवीजन। आप लोग इस बात को फैला दीजिए कि अगर आपको ये क्लास करना है तो मैं 15 को भी ला सकता था, लेकिन लोग 15 को अपनी सेंटर जाने की तैयारी में होंगे या 15 को बहुत लोग वीडियो देखेंगे। तो आपसे ये कहूंगा, ये 14 तारीख को शाम 4 बजे, कितने लोग रेडी हैं? हाँ, ये वाला सेशन मैं कल आधा जो बचा हुआ करा दूंगा, एसपीटी का क्वेश्चन बचा हुआ है कुछ और कुछ सीएनटी का बचा हुआ है, ठीक है? आप लोग इस बात को शेयर कर दिया, मैं अभी इसका बैनर डाल दूंगा टेलीग्राम में। अगर आप लोग करियर फाउंडेशन से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है करियर फाउंडेशन आपके लिए मेहनत करता है, तो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में, जिनको भी बैनर दिखे, आप लोग उस बैनर को अपने अपने व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस में लगा लीजिएगा, ठीक है? सोशल मीडिया का जो स्टोरी होता है, फेसबुक यूज करते होंगे और जो आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग सभी लोग उसको स्टेटस में बैनर लगा लें, ताकि उस क्रांतिकारी क्लास जो कि 4 बजे आने वाला है 14 तारीख को, 14 मार्च को, उस क्रांतिकारी क्लास में अब तक का रिकॉर्ड बीट हो जाए लाइव, क्योंकि वही एनर्जी जो है ना भाई, काम आप लोग के लिए जान झोंकने के लिए मजबूर करता है, वो एनर्जी आएगा हमें, उस एनर्जी के बल पर उस दिन पूरी जो ताकत है झारखंड जीके का, जितना नॉलेज है मेरे दिमाग में, सब उगल दूंगा, सब रिवाइज कर दूं, करा दूंगा दोस्तों। लेकिन आपसे निवेदन होगा कि अभी मैं जो बैनर भेजूंगा रात में या कल सुबह, देखिएगा आप लोग उस बैनर को, आप लोग सब जगह स्टोरी स्टेटस में लगा दीजिएगा, ठीक है? इतना कर सकते हैं ना आप करियर फाउंडेशन के लिए? हाँ, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। मैं चाहूंगा दोस्तों उस बैनर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नहीं, विद्या जो है ना, बांटने से बढ़ता है, विद्या कभी भी घटता नहीं, जितना बांटिएगा ना उतना बढ़ेगा। तो आप लोग लोगों को मोटिवेट कीजिए इस चीज के लिए। 14 तारीख का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है? पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा 360 डिग्री में घुमा देंगे झारखंड जीके को उस दिन, ठीक है? पूरा 360 डिग्री में घुमा देंगे उस दिन झारखंड जीके को। जितना अब तक पढ़ाया हूं ना दोस्त, जितना पढ़ा रहा हूं, जितना भी दिमाग में चीजें होंगी, मैं उस दिन पूरा 360 डिग्री में उसको घुमाने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग उस दिन सेशन में जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक का रिकॉर्ड बीट होगा, सबसे ज्यादा लोग लाइव जुड़ेंगे उस दिन, और हो जाएगा उस दिन अंतिम प्रहार है, वो एकदम अंतिम प्रहार है, ठीक है? वो प्रहार को ढंग से अगर आप देख लिए तो आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और बाकी आप सभी से निवेदन जो किए हैं उस निवेदन को आप लोग, और बिल्कुल बिंदास रहिए, एकदम टेंशन फ्री होकर एग्जाम में जाइए। क्योंकि देखो, आपने जो इतना दिन से पढ़ा है ना, उसको परफॉर्म करना है, समझे? आप जो इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, उसको उस दिन आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के दिन में प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपके दिमाग में चीजें वो भी निकल जाएगी। बस आप अपने दिल और दिमाग को यही मैसेज दो कि भाई, अगर तूने ईमानदारी से पढ़ाई किया होगा तो जो प्रश्न आएंगे उसका उसी ईमानदारी से हल हो जाना, ठीक है? यही मैसेज देना है। दिमाग को टेंशन देना ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपके बस में नहीं होता है। आपके बस में क्या होता है? प्रोसेस। आपके बस में क्या होता है? इनपुट आपके बस में होता है, आउटपुट जो है वो चीजों पर निर्भर करती, बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करती। तो आप जो इतना वर्ष से पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों,
उस पढ़ाई को समर्पित भाव से उस दिन आपको प्रदर्शित करना है, एक परफॉर्मेंस ये करना है और एकदम टेंशन में नहीं आना है। नहीं तो मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि इंडियन टीम जैसी टीम इस बार के वर्ल्ड कप में एक भी नहीं थी, पूरे मतलब क्या बोले पूरे विश्व की नंबर वन टीम होने के बावजूद फाइनल में सिर्फ पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के कारण उनका हार हो गया। मैं चाहूंगा उससे आप सीख लें, एकदम प्रेशर ना लें, जो आपके अंदर है क्वालिटी उस क्वालिटी को उस दिन प्रदर्शित कर दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। जो जिस ईमानदारी से आप मेहनत किए होंगे उसी ईमानदारी से आप परीक्षा में परफॉर्म करने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जितना आप किए होंगे मेहनत उसका परिणाम निकलेगा, यही तो सोचना है, मेहनत से ज्यादा परिणाम थोड़ी ना निकलेगा। चलिए तो भाई थैंक यू आज के सेशन के लिए, बाकी फिर देखते हैं, कल इसका बचाव क्वेश्चन करवा देंगे और इसका पीडीएफ भी कल ही दे देंगे एक ही साथ, है ना। चलिए थैंक यू। और भाई आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जुड़े रहिए, करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे यहाँ मेंस की कक्षा जो है 20 तारीख से शुरू हो रही है, तो मैं तो यही चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सब पीटी निकालें और मेंस के लिए आप लोग पूरा लड़ाई लड़ें, है ना। पराक्रम बैच में आ जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए पूरा डेडिकेटेड बैच आ रहा है 20 तारीख से, तो उस 20 तारीख से के बैच में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ, हमारे करियर फाउंडेशन के साथ, हमारे करियर फाउंडेशन के बेस्ट टीम के साथ जुड़िए और अपनी मेंस की तैयारी को बेहतर करके, प्रैक्टिस करके, आंसर राइटिंग करके सिलेक्शन लेने का काम करें। ठीक है, क्योंकि हमारा भी मकसद है कि आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट दोस्तों, सभी को शुभरात्रि, मिलते हैं फिर कल।